इसमें मैंने एक जग पानी डाला है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको मखमल के कपड़े में स्टेंडल कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत प्यारी लग रही है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ उम्मे बिलाल, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज मौसम बहुत गर्म था तो घर वालों की फरमाइश पे मैं, घर वालों ने कहा कि आज सरदाई पियेंगे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। चलिए हम सरदाई बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि सरदाई बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने सरदाई बनाने के लिए जो बादाम थे वो मैंने पानी के अंदर भो के रखे हुए हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो सरदाई के अंदर बादाम इस्तेमाल होते हैं उनको गर्म पानी में नहीं डिप करते, क्योंकि इनका जो तस्वीर है वो ठंडी होती है। तो इसके साथ मैंने ये थोड़ी सी कसकास भी ली है, ये देखें मैंने इसको धो के भगोया हुआ था। और इसके साथ ही ये इसका नाम ये है चारे मगज़, इसको भी मैंने भगो के रखा हुआ धो के। थोड़ा सा मैंने सौंफ लिए हैं, दो से तीन अदद चुटकी जो है वो मैंने ज़ीरा लिया हुआ है और छः से सात अदद जो हैं वो काली मिर्चें ली हैं। कुछ लोगों को सौंफ जो होते हैं वो नहीं पसंद होते तो वो छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए मुझे चीनी चाहिए होगी, बर्फ़ चाहिए होगी और इन सब चीज़ों को मैंने धो के भगो के रखा हुआ था। अब मैं स्टेनर करके इसके अंदर डालूँगी और इसको फिर हम पीसते हैं। इसको पीसने का तकरीबन हमें आधा पौना घंटा लगेगा। तो चलें हम बादामों को, मैं छिलके बादामों के उतार रही हूँ। तो इस तरह से हम जो ये चीज़ें इनको स्ट्रेनर कर लेंगे। साथ में ये सौंफ चले जाएंगे, काली मिर्ची भी डाल दूंगी साथ ही, और ये जो ज़ीरा ये भी साथ चला जाएगा। सब चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी ही डल जाएंगी और इनको खूब पीसना होगा। बादाम है, सौंफ है, सौंफ तो मेदे के लिए बहुत ही अच्छे हैं और ये ठंड, इसको पीने से ठंडक का एहसास होता है। मैं तो गर्मियों में बहुत बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर वाले बहुत पसंद करते हैं। तो जो हमारी सरदाई है वो बिल्कुल तैयार है, इसमें पानी जो है वो डाल देंगे। इसमें मैंने एक जग पानी डाला है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको मखमल के कपड़े में स्टेनर कर लेंगे। अब इसको मैं मखमल के कपड़े में स्टेनर करने लगी हूँ। तो
इसको हम फिर ऐसे करेंगे और इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि इसका जो सारा रस है वो अच्छी तरह से निकल जाए। ये देखें, तो चलिए जी हमारा रस जो वो सारा निकल गया है। तो अब इस हमने छान लिया इसको, अब इसमें मैं चीनी डालूंगी जितनी ज़रूरत होगी, अपनी मर्जी होगी जितना आपने बनाना होगा उसी हिसाब से चीनी डालेंगे। हम इसको मिक्स करेंगे, तो हमारी चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो गई है क्योंकि बर्फ़ डालने के बाद जो चीनी है वो सही तरह से मिक्स नहीं होती। तो अब हमारी चीनी जो वो मिक्स होने के बाद मैं इसमें बर्फ़ डालूंगी। जी हमारी जो है सरदाई वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसको बर्तन में जग में निकाल लेती हूँ और मेहमानों के आगे सर्व करेंगे, खुद पियेंगे, घर वालों को बुलाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत प्यारी लग रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं अपने बेटे को तो सबसे पहले दूँगी। बिलाल को बहुत पसंद आई है। हाँ जी, तो ये बहुत मजे की बनी है, जरूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारी दुआएं मेरी आपके साथ हैं और उनमें बिलाल को इजाज़त दीजिए। मेरा चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। नई रेसिपी के साथ हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।